दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इस टमाटर की मदद से अपने चेहरे से झुर्रियों तथा झाइयों को मिटा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके लिए आज का नुस्खा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए जो नुस्खा लेकर आए हैं उसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे की झुर्रियों को मिटा सकते हैं और बढ़ती उम्र के निशानों को गायब कर सकते हैं। दोस्तों चेहरे की झुर्रियों को हटाना हर लड़की और लड़के की चाहत होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अनचाहे निशान और झुर्रियां किसी भी चेहरे पर अच्छे नहीं लगते, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दोस्तों वैसे तो इससे छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे होने वाले साइड इफेक्ट से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। दोस्तों ये प्रोडक्ट फायदे से ज्यादा नुकसान ही करते हैं, क्योंकि इनसे होने वाले साइड इफेक्ट हमारे स्किन पर कभी तो शुरू में ही नजर आ जाते हैं और कभी बाद में नजर आते हैं। लेकिन ये बात तय है कि केमिकल्स वाले प्रोडक्ट से हमारी स्किन को फायदा कभी नहीं पहुंच सकता। हाँ, वो बात अलग है कि हमें शुरू में इससे फायदा दिखाई दे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने चेहरे की झुर्रियों तथा झाइयों को हटाने का एक रामबाण नुस्खा बताने वाले हैं, और इनमें होने वाली चीजों का इस्तेमाल हम आपके किचन से ही करेंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए टमाटर का रस। तो दोस्तों आपको इस तरह से टमाटर का रस इस तरह से निकाल लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चम्मच टमाटर का रस इस तरह से एक खाली बाउल में निकाल लेना है। दोस्तों टमाटर का रस हमारी त्वचा के पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय होता है, क्योंकि इसमें ऐसे विटामिन्स और आहार पूरक शामिल होते हैं जो हमारी त्वचा से झाइयों और झुर्रियों को हटाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सबसे पहले एक चम्मच टमाटर का रस एक खाली बाउल में निकालना है, और इसके बाद आपको इसमें दूसरी चीज ऐड करनी है, शहद। तो दोस्तों शहद की मात्रा आपको इसके अंदर लेनी है आधा चम्मच। दोस्तों क्वांटिटी का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सही क्वांटिटी का मतलब होता है हमारे नुस्खे का पूरा असरदार होना। तो दोस्तों आपको इस तरह से आधा चम्मच शहद इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है एक चम्मच जीरा। दोस्तों जीरे में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के पोर्सों की सफाई करते हैं तथा हमारी स्किन से धूल मिट्टी के कणों को भी साफ करने का काम करते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह से एक चम्मच जीरा लेना है और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक चम्मच जीरे का पाउडर बना लेना है और इसके अंदर ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें चौथी और आखिरी चीज ऐड करनी है, आधा चम्मच बेसन। तो दोस्तों इस तरह से आपको आधा चम्मच बेसन इसके अंदर ऐड कर लेना है, और इसके बाद इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको लेना है वही टमाटर जिसका आपने रस निकाला था, और आपको इस पेस्ट को इस टमाटर के अंदर इस तरह से डालना है, और इसके बाद आपको इसे लेना है और अपनी स्किन पर इस तरह से रगड़ना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे अपनी स्किन पर 10 से 15 मिनट अच्छे से रगड़ें, और उसके बाद साफ पानी से अपनी स्किन को वॉश कर लें। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी स्किन पर इसे 10 से 15 मिनट हल्के हाथ से रगड़ना है, और उसके बाद साफ पानी से अपनी स्किन को साफ कर लेना है। दोस्तों जब आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर जो झुर्रियां थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, और उसकी जगह आपकी स्किन पर ग्लोइंग नजर आने लगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही असरकारक नुस्खा है। यदि आप अपनी स्किन से झुर्रियों तथा झाइयों को समाप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने का काम करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।